हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे मैं। सो हे गाइस, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो, बढ़िया से रहना। तो दोस्तों, सुबह के 6:30 बज रहा है और मेरा गला में जो आप लाल रंग का पट्टा देख रहे हो, ये एक्चुअली मेरा हरिनाम जप करने का एक थैला है, इसमें हरिनाम होता है। आज सुबह मैं ड्यूटी जाऊंगा, ड्यूटी में क्या होगा टोटल फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ वीडियो बन रहना। तो हे गाइस, मैं ड्यूटी के लिए निकल चुका हूँ, बाइक राइडिंग कर रहा हूँ, चलिए फैक्ट्री के अंदर जाकर बात करते हैं। सो गाइस, मैं फैक्ट्री में एंट्री कर चुका हूँ, बाइक स्टैंड पे मेरा ये दोस्त है ठाकुर, आप लोग देखे होंगे, नया बाइक खरीदा है और वो भी पल्सर है ना, एकदम देखिए नया मॉडल का पल्सर, हेडलाइट एक पीस एकदम सुपर लग रहा है, बहुत कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत जरा एक बार वाह, क्या लुकिंग है यार। सो गाइस, सुबह काम करने जा ही रहे थे तब से लाइन कटा हुआ, अभी तक लाइन नहीं आया है और लाइन जोड़ने का काम चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि टाटा से डायरेक्ट लाइन लिया जा रहा है, तो बहुत बेटर है, लाइन नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। बस जब तक लाइन उन टनाटा नहीं कर रहा, हम थोड़ा सा बाथरूम होके आते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, कितना मोटा मोटा डाली भी काट दे रहा है, बाप रे, कितना मोटा मोटा डाली भी काट दे रहा है। दोस्तों, ये वर्षा के कारण इतना बड़ा बड़ा प्लांट्स हो चुका है, इतना मोटा मोटा हो चुका है, साला ये मशीन तो उसको भी काट दे रहा है, बाप रे। एक्चुअली सांप का अड्डा हो जा रहा है ना, इसलिए देखिए सारा काट दे रहा है क्लियर, लेकिन हाँ ये मशीन का आज पावर देख लिए, हम सोचते थे घास काटते हैं, मोटा मोटा सब कुछ काट दे रहा है, बाप रे। तो फ्रेंड्स, अभी तक लाइन नहीं आया, थोड़ा टीपीटी मीटिंग करने के लिए बुलाया था, कल किसी का चोट लग गया उंगली में, इसीलिए थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कहा, इतना बड़ा जॉब को हम लोग अपना हाथ से वेल्डिंग किए, सोच सकते हैं यहाँ पर फिर फ्यूचर में रहें चाहे ना रहें, लेकिन ये जॉब यहाँ पर रहेगा बरकरार कि हम इसमें वेल्डिंग किए थे। मेरा पीछे एक वेल्डर आ रहा है, ये यूपी से है, इसको भी रहे या ना रहे लेकिन इसका हाथ का वेल्डिंग किया हुआ जॉब यहाँ रहेगा। ये ग्रेंडर भाई है, ये भी बहुत घिसा है तो बस कब तक रहते हैं हम लोग देखते हैं। यार हो गया 4-5 घंटा लाइन नहीं है, इसलिए क्या करें, फिर खाना पीना खा लिए, अब तो रेस्ट करते, लाइन कब आएगा देखा जाए, नहीं आएगा तो और बेटर है क्या, लाइन नहीं आए तो घंटा सर ऐसे ही सोपा कर। तो फ्रेंड्स, लाइन का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आज, खाना खाने का बाद भी लाइन नहीं था, मोटा मोटी 6-7 घंटा लाइट नहीं था, अभी लाइन आया 10-15 मिनट बाद फिर लाइन चला गया, ऐसे थोड़ी कम होता है। तो अभी तक मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ मल्टी लेयर पे, ये सिंगल लेयर, तो इसका बगल में आप देख रहे हो बीट, एक पतला सा बीट, फिर इसमें एक लेयर और मराएगा, इसको मल्टी रन बोला जाता है, सीधा कंटिन्यूअस ये उठेगा, तब तक के लिए इसी को मार रहे थे, लाइन नहीं है क्या करें, वेट करते लाइन का। तो फ्रेंड्स, मेरा पीछे आप देख रहे हो वेल्डिंग मारते मारते बारिश आ गई अचानक, इसीलिए काम को यहीं पर रोक देता हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं कल एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून विद मोक्ष जेपीएस एंड स्टे सेफ, बाय बाय। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो, जैसे जान बाकी है मगर सांस रुकी हो, जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में
दबी हो जैसे तूने आँखों से कोई बात लिखी हो, जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे।